हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ हाउ टू अप्लाई एड्रेस चेंज ऑन ड्राइविंग लाइसेंस। सबसे पहले आपको मैं एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। एड्रेस चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले आपका करंट आरटीओ से एनओसी लेना पड़ता है, और वो एनओसी के लिए कैसे एप्लीकेशन करना है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस एड्रेस चेंज करना है तो प्लीज़ मेरा आप वो वीडियो देख लो एनओसी के लिए, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस एड्रेस चेंज के लिए हेल्प होगा। तो मैं आपको अभी एकदम सिंपल स्टेप्स में बता रहा हूँ हाउ टू चेंज ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको ये parivahan.gov.in साइट पे जाना है। वहाँ अप्लाई ऑनलाइन में सर्विसेज ऑन ड्राइविंग लाइसेंस, इतना सारा सर्विसेज है जो जिसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। तो यह आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देना है, यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है और स्टेट आपका आरटीओ जिसके लिए आपको अप्लाई करना है, और आपको प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद आपके नेक्स्ट पेज पे आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका पूरा डिटेल्स दिखेगा, आपका फोटो, आपका एड्रेस, आपका आधार नंबर। अगर आपने मोबाइल नंबर नहीं डाला है तो यह आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है और फिर कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आप ए पेज पे आओगे। यह आपको सारा सर्विसेज दिखेगा जिसके लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो फिलहाल आपको एड्रेस चेंज के लिए एप्लीकेशन करना है तो चेंज ऑफ एड्रेस इन डीएल ड्राइविंग लाइसेंस पे आपको टिक करके प्रोसेस करना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज पे आप आओगे तो आपको यहाँ आपको एड्रेस चेंज करने के लिए परमानेंट, प्रेजेंट और बोथ, तो आपको बोथ पे टिक करके यहाँ आपका एड्रेस आपको फिल करना है और सेम एज परमानेंट एड्रेस पे वापस टिक करना है। तो जो आपको एड्रेस चेंज करना है तो ये आपका बोथ होगा, परमानेंट और प्रेजेंट भी वही रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ कंफर्म करना है, और कंफर्म करने के बाद यह आपको ये डिक्लेरेशन पे टिक करना है। ये आप पढ़ के करें ध्यान से, और ये कैप्चा आपको फिल करना है। और फिर आपको यहाँ भी सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप नोटिफिकेशन के पेज पे आओगे तो वहां प्रिंट ना करते हुए नेक्स्ट करोगे तो ये पेज पे आओगे। मैंने नेक्स्ट कर दिया क्योंकि मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन था, तो आप नेक्स्ट करोगे तो आपको ये पेज पे आओगे जहां आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे टिक करके प्रोसेस करें। यहाँ पे आपको ओके करना है और ये डॉक्यूमेंट्स सिलेक्ट करना है। एड्रेस प्रूफ आपको सबसे पहले देना है, जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस प्रूफ रहेगा और जो डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो तो ये दे दो। यहाँ थोड़ा ध्यान रखें, ये जो फाइल यहाँ आप अपलोड करोगे वो ये तीन फॉर्मेट में ही होगा, और उसका साइज 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप फाइल सिलेक्ट करो, मैंने फाइल पीडीएफ फाइल है मेरा और 500 KB से कम है, तो ये सिलेक्ट करके आपको अपलोड करना है और कंफर्म करना है। ये यह आपका एड्रेस प्रूफ स्टेटस सेव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस का कॉपी भी आपको अपलोड करना है, जो आपका करंट ड्राइविंग लाइसेंस है, सिलेक्ट करके वापस
आपको अपलोड करना है। कंफर्म करो। यस, अभी ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके सेव हो गए और यहाँ से अभी ये ड्रॉप डाउन निकल गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। अभी ये 1-2 स्टेप कंप्लीटेड है। उसके बाद पेमेंट, आप यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हो और आरटीओ में जाके विंडो में भी पेमेंट कर सकते हो। लेकिन आपका सब कुछ बरोबर है, फॉर्म फिल किया है आपने, तो आप यहीं से पेमेंट करो और प्रिंट आउट निकाल के आपके डॉक्यूमेंट्स, जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, नोटिफिकेशन रिसिप्ट, ये आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपको प्रिंट करना है, और जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है उसका प्रिंट आउट, और ये जो आप पेमेंट करोगे उसका रिसिप्ट आपको साथ में लेके जाना है, आरटीओ में जाके सबमिट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। मैं आरटीओ रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड करने जा रहा हूँ। थैंक यू।